हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। तुसी आदोरंत हो यीशु जी, तुसी अल्फा ते मेगा खुदावन खुदा, तुसी राजा के राजा, बादशाह के बादशाह खुदावन खुदा। तेरा असी शुक्र करदे मेरे परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, तुसी आज सानू इस मीटिंग दे विच आउण दा मौका दिता है खुदावन। असी दिल दी गहराइयों तो तेरा धन्नवाद करदे खुदावन खुदा, तेरा शुक्र करदे आ यीशु जी। और इस मीटिंग दे पूरे होल नू मेरे प्यारे पिता तेरे पाक पवित्र हत्थां दे विच दे दिंदे आ खुदा। खुदावन खुदा तुसी इस मीटिंग नू लीड करो, तुसी इस मीटिंग नू गाइड करो खुदावन खुदा। तुहाडी उपस्थिति इत्थे बनी रहे खुदावन खुदा। और जिन्हां ने वर्शिप करनी है मेरे प्यारे पिता, तुसी उन्हां दे गलियां नू टच करो मेरे प्यारे पिता, उन्हां नू छूओ खुदावन खुदा। और जिन्हां ने खुदावन खुदा वर्शिप सुननी है मेरे प्यारे पिता, वह भी खुदावन खुदा ब्लैस हो जाए खुदावन खुदा, उन्होंने भी बरकत मिले मेरे प्यारे पिता। असी तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा, तेरी उपस्थिति इस जगह ते मांग लैने मेरे प्यारे पिता खुदावन खुदा। तेरी ही तारीफ हो, तेरा असी शुक्र कर दी यीशु जी, तेरे प्यार ले, तेरे फजल ले मेरे प्यारे पिता, और तेरे रहम ले, तेरी दया ले खुदावन खुदा। असी तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा, और फिर तो इस मीटिंग दे पूरे होल नू तेरे ही हत्थां दे विच दे देने हैं यीशु जी, और तेरे पाक पवित्र नाम दे विच मांग लैने दे पा लैने हैं। आमीन। हुण असी फर्स्ट वर्शिप सिस्टर पापा उन्हां नाल मिलके गाएंगे। उस तो पहला मैं एक वर्स पढ़ूंगी। हे धरती दे सारे लोको, परमेश्वर दे ले ललकारो, ओदी नाम दी महिमा दे भजन कीर्तन करो, ओदी महिमा दी उस्तत करो। परमेश्वर नू आखो, वाह तेरे काम किड्डे डरौणे हन, तेरी महा समर्था दे कारण तेरे वैरी तेरे अगे हिचक के आउणगे। सारी धरती दे लोक तेनू मत्था टेकणगे ते तेनू गाउणगे, तेरे नाम दे भजन गाउणगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हुण असीं सिस्टर वफा नाल मिलके वर्शिप करांगे। जबूर 34 गाऊंगी मैं। फरिश्ता यहोवा द तंबू लगा के, फरिश्ता यहोवा द तंबू लगा के, बचांदा है उनां नू जो उस तो डरदे, बचांदा है उनां नू जो उस तो डरदे। फरिश्ता यहोवा द तंबू लगा के, जरा उचको ते वेखो तुसी वी, जरा उचको ते वेखो तुसी वी, यहोवा खुदा दी अजब मेहरबानी, यहोवा खुदा दी अजब मेहरबानी। फरिश्ता यहोवा द तंबू लगा के, मुबारक है क्या हा जो उस आदमी दा, मुबारक है क्या हा जो उस आदमी दा, जो अपना भरोसा खुदा उते रखदा, जो अपना भरोसा खुदा उते रखदा। फरिश्ता यहोवा द तंबू लगा के, रहो पाक लोको यहोवा तो डर दे, रहो पाक लोको यहोवा तो डर दे, न घाटा है उनां नू जो खौफ कर दे, न घाटा है उनां नू जो खौफ कर दे। फरिश्ता यहोवा द तंबू लगा के, रवे शेर दाब चजे कर भी भूखा, रहे शेर दाब चजे कर विभूका, कदी रब द तालेब न भूखा रहेगा, कदी रब द तालेब न भूखा रहेगा। फरिश्ता यहोवा द तंबू लगा के, बचांदा है उनां नू जो उस तो डर दे, बचांदा है उनां नू जो उस तो डर दे। फरिश्ता यहोवा तंबू लगा के। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावन तुहानू बरकत देवे ते बताए इतने नाल तुहानू इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर साडे उते दया करे ते सानू बरकत देवे अते अपना मुखड़ा साडे उते चमकावे।
ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਹਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਹਾਉਣ, ਉਮਤਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਮਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਮ ਹਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਹੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਆਂਟੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਲਾਰੇਗਾ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਲਾਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰੋਦੀ ਖਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰੋਦੀ ਖਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਲਾਏਗਾ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਪੈਰੇ ਲਾਏਗਾ। ਜੋ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਜਸੂ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਜਸੂ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਲਾਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਲਾਰੇਗਾ। ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁਕੂੰਗਾ, ਨਾ ਮਟਕੀ ਚੋਂ ਆਟਾ, ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁਕੂੰਗਾ, ਨਾ ਮਟਕੀ ਚੋਂ ਆਟਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਰੇਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਰੇਗਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਘਾਟਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਘਾਟਾ। ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਸੂ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਲਾਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਲਾਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਸੂ ਜੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਕਿਤੇ ਜਸੂ ਜੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਲਾਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਲਾਰੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਅੰਤੀ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਨਿਧਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਨਿਧਾ, ਸਤਿ
तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, हर रोज हर वक्त तेरी साफ तेरी कुदरत, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, वफादार मुझे यसु बना, वफादार मुझे यसु बना, हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत, वफादार अच्छा मुझे पहला लागा यसु हम लागता नहीं तो बच्चे तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, थाम ले हाथ वो दामन थाम ले हाथ, थाम ले हाथ वो दामन थाम ले हाथ, हर रोज हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, थाम ले हाथ वो दामन थाम ले हाथ, तुझसे प्यार मैं करता ऐ खुदा, तुझसे प्यार मैं करता ऐ खुदा, हर रोज हर वक्त प्यार से पुर तेरी कुदरत, तुझसे प्यार मैं करता ऐ खुदा, मेरे पाँव भी ले तू ऐ खुदा, मेरे पाँव भी ले तू ऐ खुदा, हर रोज हर वक्त चलो तेरी राहों पर, मेरे पाँव मिले तू ए खुदा, तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंत ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਿਟਕਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਿਟਕਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਦਲੇਰੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਏ, ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਦਲੇਰੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਏ, ਹਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਏ, ਹਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਯੇਸੂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਯੇਸੂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
तेरिया अखियां हंजवा दे नाल रोज मैं परदा हां, तेरिया अखियां हंजवा दे नाल रोज मैं परदा हां, रोज मैं परदा हां, रोज मैं परदा हां, मेरे दुख तू लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मेरे दुख तू लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हुन असीं साई वर्शिप लई खुदावंद दा धन्नवाद करदे आं। हुण असीं सिस्टर श्रीन रोज उहनां दा वेलकम करदे आं, तो पहला पानी ते रोटी लई दुआ करनगे, फिर असीं उहनां दे नाल अगे मैसेज सुणांगे अज दा। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਤਨੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਵੈਲਕਮ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਕੋ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾ ਰਹੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਕੇ ਲੀਏ, ਆਪਣੇ फैमिली के लिए, इस ग्रुप के लिए खुदावंद आपको बाई से बरकत बनाए और खुदावंद आपको पाक दामन कमवारी की माने तैयार करे। खुदावंद का मसा हमेशा आपके पर ठहरा रहेगा। प्लस खुदावंद का शुक्र करते हैं प्रस्तुति के लिए। हमारे मान है कि खुदावंद ने जो भी हदीये नजराने हमने चढ़ाए आवाजों से के जरिए से खुदावंद ने वो कबूल किए हैं। खुदावंद का तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है, खुदावंद का शुक्र हो। और वाकई खुदावंद क्या जो रहम है, जो दिया है वो अगर हमारे ऊपर ना होती तो आज हम यहाँ पे मौजूद ना होते। आज खुदावंद ने अगर हमें ना चुना होता तो हम भी गैर कौमों की तरह दूसरे जो बुत हैं उनकी पूजा कर रहे होते, जिनकी हमने कल भी पढ़ा के जो बुत प्रस्त हैं उनकी जगह जो क्या है वो आग की झील होगी। तो खुदावंद ने हमें उस आग से बचा लिया, उस जलने से बचा लिया। खुदावंद ने हमें जिंदगी दी, बल्कि अबदी जिंदगी दी जो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए हमें खुदावंद का कितना शुक्र गुजार होना चाहिए कि खुदावंद हम पे मेहरबान हुआ। प्रेज गॉड। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। और अब तक जितने भी खुदावंद हमने किसी भी तरीके से गुनाह किए हैं, खुदावंद तुझे नाराज किया है अपने बोलने से, देखने से, सोचने से। खुदावंद यीशु तेरे लहू से धो के पाक और साफ करते हैं अपने आप को। एक एक जो यहाँ पे मौजूद है, जो इस मीटिंग को सुनेंगे, उन सब पे भी खुदावंद का तेरा मसा छाया रहे। खुदावंद हम कहीं पे भी खुदावंद किसी भी तरीके से गुनाह किया है, खुदावंद यीशु तेरे लहू से धो के पाक और साफ करते हैं। हम माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं कि खुदावंद हमें जो काम करने चाहिए वो हम नहीं करते। कुछ हम जानबूझ के खुदावंद हुक्मों को तोड़ते हैं, कुछ हमसे अनजाने में हो जाते हैं। खुदावंद हमें माफ कर, ताकि खुदावंद हमसे दूर ना जाए, हमें छोड़ ना दे। खुदावंद जिस तरह की तरह कलाम फरमाता है कि तनो ना सर्द है ना गर्म है बल्कि नींद गर्म है, तो खुदावंद हमें कहीं अपने मुंह से ना निकाल दे, हमारे चिराग दान को
अपनी जगत से ना हटा दे, बुझा ना दे खुदा, उन हमें माफ कर खुदा। खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं तेरे लहू बहाने के लिए, स्लीप पे जान देने के लिए, खुदावंद उसके वसीला से आज तेरे लहू बहाने के वसीला से खुदावंद आज हम आजाद हैं, आज खुदावंद उसके शिकंजे से आजाद हुए हैं, बहाल हुए हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तूने हमारे एक एक गलती गुनाह खताओं की खातर, हमारी लानतों की खातर खुदावंद यीशु लहू को बहा दिया, ताकि खुदावंद हम बच जाएं, हम पे कोई दाग कोई धब्बा कोई झुरी ना रहे। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ तेरी इस कुर्बानी के लिए खुदा, जब हम इस रोटी और पानी को लें तो खुदा हमारे अंदर से हमारे घरों से सारी गंदगी नापाकी वो बदी की कूपतें वो दुश्मन की फौजें यीशु के नाम से हमारे अंदर से हमारे घरों के अंदर से वो निकल जाए, उनको कोई जगह ना मिले हमारे बदनों के अंदर। किसी भी तरीके से उसने हमारे बदन को इस्तेमाल किया है, किसी भी तरीके से उसने हमें जकड़ा हुआ है, बंधनों में बांधा हुआ है, कहीं हमारे अंदर कोई झूठ है, फरेब है, बदगुइयां हैं, शिकायतें हैं, कहीं हमारे अंदर गुस्सा है, जेलसी है, खुदा यीशु के नाम से हमारे बदनों के अंदर से जाता रहे। और खुदावन का लहू जो हमें धो के पाक और साफ करते हैं, हमारी सारी नाराजगी को, सारी बीमारियों को, सारी लानतों को यीशु तेरे लहू में वो कुवत है, वो ताकत है, वो हमें आजाद कर सकता है, बहाल कर सकता है। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरे उसी लहू को हम सर से लेके पांव के तलवे तक खुदा यीशु तेरे लहू को लगाते हैं। खुदा अपने घरों को बुनियादों से लेके छतों तक खुदा यीशु एक एक चीज को एक एक इंच को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं, तेरे लहू से धो के पाक और साफ कर देते हैं। हमारे ऊपर हमारे घरों पे अपनी इसका कोई इख्तियार नहीं है, हम तेरे लहू से खरीदे हुए लोग हैं। शैतान का अब हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमें छुए, वो हमें इस्तेमाल करे, क्योंकि अब हम खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है, हम उसके उसने हमारा फिदिया दिया है, उसने हमारी कीमत अदा कर दी है, इसलिए शैतान का अब हमारे पर कोई इख्तियार नहीं है। खुदा इस बड़े तेरे मंसूबे के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं, प्लीज के सारे मंसूबे जो हमारे खिलाफ हैं वो यीशु के नाम से फेल हो जाए, और खुदा तो हमारी जिंदगियों से ऊंचा हो, हमारे बदनों के अंदर से खुदा यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। जब लोग हमें देखें तो खुदा खुदा वो हमें तुझ जैसा पाएं, वो जाने के हम तेरे लोग हैं, हमारे बोलने से उठने बैठने से चलने फिरने से पहनने से खुदा यीशु तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। खुदा हम जब जहां कहीं भी जाएं तो खुदा लोग जाने कि खुदावंद तेरी हसूरी तेरा मसा हमारे ऊपर ठहरा हुआ है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस बड़े मंसूबे के लिए, जहां कहीं बीमारियों ने हमें जकड़ा हुआ है, कोई भी दर्दे हैं किसी के भी जिस्म ने खुदावंद यीशु के नाम से वो दर्दे जड़ से खत्म हो जाए, उनका कोई असर हमारे ऊपर रहने ना पाए। खुदावंद कहीं को मैदे की प्रॉब्लम है, लीवर की है, खून की खराबी है, खुदावंद खुदा आंखों की कोई प्रॉब्लम है, कानों में है, गले में है, चेस्ट इन्फेक्शन है, खुदावंद यीशु के नाम से वो जाता रहे। खुदावंद यीशु के नाम से हमारे बदनों के अंदर कोई बीमारी ठहर ना सके, किसी भी तरीके से कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो जड़ से खत्म हो जाए, उसकी जड़ों को काट देते हैं हम मिलके खुदावंद यीशु के नाम से। हमारे बदनों के अंदर शैतान का कोई इख्तियार नहीं है, उन दुश्मन की फौजों का कोई इख्तियार नहीं है, जो हमारी कोई अंदरूनी बीमारियां जिसकी वजह से पैदा हो गई हैं, वो दुश्मन की सारी फौजों को अपने बदनों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। खुदा खुदा कहीं उसने हमारे बदन के किसी भी हिस्से को जकड़ा हुआ है, उसने बांधा हुआ है,
गिरा लगाई हुई है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यीशु के नाम से आज वो सारी गिरा खुल जाए, आज वो सारी जंजीरें टूट जाए, हम आजाद हो जाए खुदा खुदा, और आजादी से सेहतमंद तंदुरुस्त होकर तेरी प्रस्तुति करें, तेरी इबादत करें खुदा खुदा, और तेरी शुक्रगुजारी करें और गवाही दें कि हमारे खुदावन ने, हमारे यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं खुदा खुदा। हमारे कई फैमिलियों में कोई जुदाई आ गई है, कोई लड़ाई झगड़ा है, यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए। कहीं हम हमारे दिलों में कड़वाहट है किसी के लिए, कोई नाराजगी है, यीशु तेरे नाम से हमारे अंदर से ये निकल जाए खुदा। कहीं डिप्रेशन की स्पिरिट है, उदासी है, थकावट की स्पिरिट है, कहीं कोई कमजोरी है, यीशु के नाम से हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से, हमारी फैमिलियों के अंदर से यीशु के नाम से निकल जाए खुदावन। और खुदावन तेरे लोग मुकम्मल शिफा को रिसीव करें खुदावन। इसी तौर से अपने भाई बहन फ्रेडी को खुदावन यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावन, सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदावन। तेरे बेटे को खुदावन यीशु तेरे खुदावन, खुदावन जो भी तेरे बंदे के जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई खुदावन उसमें लिवर में प्रॉब्लम है खुदावन, खुदा शुगर हाई है, बीपी है खुदावन यीशु, कहीं भी कोई खून की खराबी है खुदावन यीशु के नाम से खुदावन, कोई भी बीमारी है तेरे बेटे के बदन के अंदर ठहरने ना पाए, उसको छोड़ के जाने पड़े खुदावन यीशु, तेरे लहू को लगा देते हैं जिस्म के एक एक अज़ा पे, रग रग में, नस नस में खुदावन यीशु तेरा पाक फितर लहू, तेरा शफा बख्श खून तेरे बेटे के बदन के अंदर दौड़ जाए, और खुदावन यीशु के नाम से खुदावन खुदा उसके जहन पर खुद दिमाग को खुदा यीशु, सोचों को, ख्यालों को यीशु तेरे कंट्रोल में दे देती हूँ, उसकी सोचों को तब्दील कर दे खुदा, उसके दिल के ख्यालों को तब्दील कर दे खुदा, उसकी दिल की आंखों को रोशन कर दे खुदा, सोचों को तब्दील कर दे, वो गंदी वो नेगेटिव सोचें, वो गलत तालीमों की वजह से, किसी के लिए कोई गुस्सा है, नाराजगी है, किसी को माफ नहीं किया, यीशु के नाम से इन सारी बदी की कुकतों के खुदा में यीशु के नाम से उनके हाथों और पाँव में बेड़ियां पहनाती हूँ, और उनको भाइयों के बदन के अंदर से, सोचों के अंदर से, ख्यालों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ, सारी डोरियों को काट देती हूँ यीशु के नाम से खुदा। खुदा तेरा बंदा तुझमें खुशी को, शादमानी को, तसल्ली को, शफा को खुदा, आजादी को, बहाली को रिसीव करे खुदा यीशु के नाम से खुदा। यीशु जो तूने सर पे कांटों रखने कांटे रखने की वजह से जो तेरा लहू बहा, तेरे उसी लहू को भाइयों की सोचों पे, ख्यालों पे लगा देती हूँ, जड़ से खत्म हो जाए, उनका नाम निशान मिट जाए खुदा, वो पहले जैसे ना रहे, उनकी सोचें तब्दील हो जाए उनका ध्यान ज्ञान खुदा तेरी तरफ लग जाए खुदा, उस सच्ची तालीम को, उस मुकम्मल तालीम को खुदा खुदा जो तेरे कलाम से मिलती है खुदा, उस पे अमल करने वाला बना दे खुदा खुदा, वो सारे असर खुदा खुदा जो भी खुदा उनकी जिंदगी में है खुदा, उन गलत तालीमों की वजह से खुदा यीशु के नाम से खुदा वो खत्म हो जाए खुदा, और तेरा बेटा तुझ में खुदा खुदा एक कदम और आगे बढ़े खुदा यीशु के नाम से खुदा खुदा, तेरे बेटे के जुगर तेरे पाक खून की बाढ़ लगा देती हूँ, तेरे फरिश्तों की बाढ़ लगा देती हूँ खुदा खुदा, तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्ते, तेरे जोरावर फरिश्ते, तेरे हीलिंग वाले फरिश्ते खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरे बेटे की तरफ से होके जंग लड़ते रहे, और खुदा उन सीधे रस्तों की तरफ लेके जा जो खुदा तेरी तरफ लेके जाते हैं, उन फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ कि उनको अरेस्ट करके रखे, वो ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े खुदा खुदा, बल्कि जो तेरे हुक्म है खुदा उन पे अमल करने वाले हूँ यीशु के नाम से खुदा। हम इस दुआ को सब मिल के बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। हम ईमान से इस रोटी को और इस पानी को और ऑयल है जो उसको लें, और ताकि हम शिफा पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड।
हालेलुया, प्रेज गॉड। हम आज मकाशवा 10 बाब जो है वो पढ़ेंगे और कल हमने सीखा मकाशवा 9 बाब के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कि उसमें 2 नरसिंगे फूंके गए थे, 9वां जो चैप्टर था, और 2 अफसोस जो थे और पंजाबी में है ना वो जो हाय हाय 3 दफा, यानी तो उसके बारे में हमने थोड़ा सीखा था कि जो पहला अफसोस था यानी जो 5वां नरसिंगा जब फूंका गया तो वो टिड्डियां जो थी वो निकली और उन्होंने जो जमीन के रहने वाले थे जो जिन्होंने यानी वो छाप जो ली हुई थी एंटी क्राइस्ट की मुखालफ मसीह की, उनको टाइम दिया गया कि 5 महीने तक उनको अजियत दें जो जमीन के रहने वाले थे, है ना। और उनकी अजियत इस तरह थी कि उनका दर्द इस तरह का था कि जैसे जो बिच्छू डंग मारता है, तो इस तरह की तकलीफ जो थी वो जो तब यानी वो दौर आएगा उनको दी जाएगी। तो पहले जो एक अफसोस था वो था टिड्डियां यानी जो अजियत देंगी उस वक्त लोगों को कि वो मौत मांगेंगे पर उनको मौत जो थी वो नहीं आएगी। और हमने देखा कि जो एक फरिश्ता था यानी अथागड़े में से वो निकला जिसका नाम अबदून था, यानी होगा अभी नहीं। और जो दूसरा अफसोस था उसमें जो शेर जिनके मुंह जो थे वे शेर की तरह थे और जो उनका धड़ था वो घोड़ों की तरह था और उनकी जो दुमें थी वो सांपों की तरह थी, है ना। तो ये निकले और इनके मुंह से आग निकलती थी, गंधक जो थी धुआं जो था वो निकलता था। और इस जो अफसोस हुआ या ये छठा जब नरसिंगा जो था फूंका गया तो एक तिहाई जो थी आदमी वो मर गए, है ना। और हमने सीखा के जो बाकी बच गए थे उन्होंने शयातीन की जो पूजा थी वो करना ना छोड़ी, यानी वो जो सोने और चांदी और पीतल के और लकड़ी के बुत थे उनकी पूजा करते रहे। और जो खूनी थे, जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी करने वाले थे, उन्होंने तौबा ना की। ये हमने कल 9वां चैप्टर जो था उसमें सीखा था, है ना, कि 2 अफसोस हुए थे और 2 नरसिंगे उसमें फूंके गए थे और जो एक तिहाई लोग थे वो मर गए थे जमीन पे रहने वालों के लिए वालों के ऊपर। तो ये हमने सीखा था। तो अभी जो 7वां नरसिंगा है वो नहीं फूंका गया, जो कि कह लें लास्ट आखिरी नरसिंगा होगा। तो अब जो रोया है यानी ये 10वां चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो जो खुदावंत का बंदा है यूहन्ना आरफ, जैसा कि हमने सीखा के हमने सीखा था कि 6 चैप्टर से लेके 11 चैप्टर तक जो रोया है वो दिखाई जा रही है यूहन्ना आरफ को, जो यहूदियों के नुक्ता नजर से, यानी वो जो यानी यहूदी जैसे नरसिंगों की जैसे बात हो रही है, नरसिंगों का हमें नहीं पता या कुर्बान का हमें नहीं पता, है ना। तो इस तरह से रोया जो है खुदावंद उसको दिखा रहा है। और ये हमने सीखा कि ये जो अभी चल रहा है वो जो 3.5 साल का अरसा है मुसीबतों का दौर का, जो 3.5 साल का दूसरा दौर है वो चल रहा है, इसको
हफ्ता भी कहा जाता है, इसको दौर भी कहा गया है बाइबल में, है ना। और तो ये आधा दौर जो है वो कह लें अभी चल रहा है। पहला दौर तो हमने सीखा साढ़े तीन साल का अरसा, हमने देखा कि जो मसीही थे उन पे मुखालफे मसीह ने जुल्म किया, और उनको उसने जमीन पे से खत्म पहले कर दिया, मार दिया, कत्ल किया गया। तो अब ये दूसरा दौर जो है हमने सीखा कि ये खुदावंद का रोज़े अजीम है, या खुदावंद का कहर जमीन के रहने वालों पे नाजल जो है वो होगा। और इस दौर में ये साढ़े तीन साल का जो अरसा है, इसमें खुदावंद की सजाएं जो हैं, या अदालत जो है, या कहर जो है, आफतें जो हैं, वो खुदावंद की तरफ से नाजल होंगी। पीछे हमने देखा जो साढ़े तीन साल का अरसा, उसमें एंटी क्राइस्ट जो है, मुखालफे मसीह जो है, वो जमीन के रहने वालों के ऊपर, जैसे कह लें जुल्म और सितम जो है, या खून रेजी या जंग का जो था माहौल वो था। लेकिन ये साढ़े तीन साल का अरसा जो है, इसमें खुदावंद की तरफ से जो आफते हैं या सजाएं जो हैं वो नाजिल हो रही हैं। और हमने पीछे देखा है ना कि जो ओले थे, खून मिले हुए ओले पड़े, जिससे हरियाली जो थी जमीन की एक तिहाई, हरी घास दरख्त वगैरह जो थे वो जल गया एक तिहाई, यानी। और फिर जो समंदर था उसका पानी खून की तरह हो गया, और उसका जो तीसरा नरसिंगा था उसमें पानी जो था जहरीला हो गया था ना, और उससे उसके पीने से कह लें आदमी जो थे मर गए। और चौथा नरसिंगा जब फूंका गया तो उसमें हमने देखा कि जो सूरज चांद सितारे थे उनकी रोशनी जो है वो जाती रही, और तारीकी जो थी वो हो गई, है ना, जमीन पे। तो ये आफतें जो थी ये आसमान से कह लें नाजल हो रही थी। तो अभी ये जो दौर है, या आज ये दसवां चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो इसमें अभी जो सातवां नरसिंगा है वो नहीं फूंका गया, फूंका जाएगा, बल्कि अभी ऐसे कहूंगे कि थोड़ी सी जैसे ब्रेक है। खुदावंद जो है अब यूहन्ना आरब को एक किताब जो है इसमें अभी हम पढ़ते हैं, है ना। तो यानी इसको उसने पढ़ना है और दोबारा से नबूवत करनी है ना। तो ये आज के चैप्टर में हम सिर्फ ये इसमें ज्यादा जो बात हुई है कि वो किताब जो छोटी है वो यूहन्ना आरब को दी गई है। तो अभी हम फिर इसको पढ़ते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। हाँ जी, हमारे साथ वफा है मेरा रीडिंग में, और जी। दस चैप्टर, और अंजना आप महल इसके साथ पढ़ लें, पूरा पढ़ना है। हाँ पूरा ही पढ़ लें, पूरा ही पढ़ छोटा है ना, 11 आयते हैं। हाँ देखेंगे फिर बात होगी या नहीं, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं जी। स्टार्ट करूं? हाँ जी, हाँ जी। ओके। मुकाशफा की किताब उसका 10 बाब उसकी पहली आयत से, फिर मैंने एक और जोर आवर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की माने था, और उसके पांव आग के सतूनों की माने, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुशकी पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धाड़ता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी, और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समंदर और खुशकी पर खड़े देखा
देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा, अब और देर ना होगी। बल्कि साथ तो फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा भूंगने को होगा, तो खुदा का पशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातब होकर कहा कि जा, उस फरिश्ता के हाथ में से जो समंदर और खुश्की पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी मगर जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों कौमों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक और बलि दूत नूं बदल पहनी आकाश ते उतरदे वेख्या, अते उसने सिर उत्ते मेघ टनुक सी, अते उहदा मूंह सूरज वर्गा, अते उहदे पैर अगन दीआं थम्मां वर्गे सन, अते अपने हाथ विच इक खुली होई छोटी जिही पोती उसने फड़ी होई सी। उसने अपने सज्जे पैर नूं समुंदर उत्ते अते खब्बे नूं धरती उत्ते टिकाया। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਤੇ ਗਰਜਾਂ ਬੋਲ ਹਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਹੋਰ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਦੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਧੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਾ ਉਸ ਪੋਥੀ ਲੈ ਜੋ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌੜਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੌਮਾਂ ਭਾਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ये जो पहली आयत है जिसमें हम इस कह लें जोरावर जो फरिश्ता है इसको देख रहे हैं कि उसने बादल को ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा है ना, और इसका लिखा हुआ कि उसके सर पर धनक है, यानी वो हमने जो सीखा ये धनक किसको क्या उसको बोलते हैं, रेनबो है ना, और इसका चेहरा आफ्ताब की मानित है और उसके पांव आग के सतूनों की मानित है। तो इसलिए काफी यानी जो इस जो कुछ क्योंकि लिखा हुआ है ये उसके चेहरे की वजह से या उसके जो पांव का जिक्र है ना कि आग के सतून की मानित है ना, तो इन सारी बातों से कुछ लोग ये इसको कहते हैं कि ये खुदा यीशु मसीह है ना। लेकिन ये
ये जोरावर फरिश्ता ही है, ये खुदा यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यूहन्ना अरब ने जैसे जब उसको खुदा यीशु मसीह हमें पहले चैप्टर में देखते हैं ना, तो जो खुदा का बंदा है यानी वो उसको उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने पहचान लिया था और उसने खुद खुदा ने कहा ना हमें एक क्या कहते हैं जो पहला चैप्टर है मकाशपा की किताब का, उसमें भी मिलता है कि वो क्या है यहूदा का वो आदमजात है और यहूदा के कबीले की असल से है, ये पांचवें चरण। फिर हमें मिलता है कि जिबा किया हुआ बर्रा है, सच्चा और भरा कलाम खुदा है, बादशाहों का बादशाह खुदावंद का खुदा है। ये सारे जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़े हैं उसमें जिक्र मिलता है, और आगे भी जो है वो अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है ना। यानी खुदा यीशु मसीह के बारे में ये कह लें वर्सेस या ये हमें इसमें से मिलता है मकाशवा ही की किताब में से। तो इसलिए ये जो जोरावर जो फरिश्ता है ये खुदा यीशु मसीह नहीं है, ये फरिश्ता है। और जो आवाज आई है उसको यूहन्ना अरब को आसमान से है ना कि ये खुली हुई किताब जो है ये ले ले, और समंदर और खुशकी पे ये फरिश्ता जो है कह लें एक पांव उसका खुशकी पे है एक समंदर पे है। तो ये इस चीज को बयान करती है कि जैसे कह लें कि ये जमीन के रहने वालों के या जो समंदर के अंदर की चीजें हैं जो भी हमें बताया गया ना, जो जानवर हैं या जैसे पहले उसमें देखा कि मेहल दूसरा जब नरसिंगा फूका गया पहला, तो आफते सारी वो जो समंदर के अंदर थे मखलूकात उनके ऊपर भी आएंगी। तो ये सब के लिए जो नबूवत है अभी जो कह लें खुदावंद उसको करने के लिए कह रहा है, उसका मतलब ये है कि जो जमीन के रहने वाले हैं उनके लिए भी है ये नबूवत, और जो समंदर के अंदर है मखलूकात उनके लिए भी है, है ना। तो इसलिए ये खुदावंद का फरिश्ता ही है, जोरावर फरिश्ता है ये जो खुदा यीशु मसीह ये नहीं है, है ना। तो इसलिए ये पहली आयत में हमें यही एक किस्म का कह लें पता चलता है कि ये खुदावंद का फरिश्ता है और आवाज उसको ऊपर से आई है, आसमान से कह लें आई है उसको यूहन्ना अरब को, है ना, कि ये छोटी सी जो किताब है ये ले ले और इसको खा ले, और ये खुली हुई है। इससे पहले भी हम कह लें कि किसी को कह लें कि खुदावंद ने ये एक तो इसी में हम देखते हैं कि जिस पे सात मोहरें लगी हुई थी, जो मोहरें जो हमने सीखा पहले कि वो जो तुमार था, है ना, वो जो किताब थी तो वो दी, लेकिन वो क्या थी, वो बंद थी, उसके पर सील लगी हुई थी, उसके पर मोहरें जो थी लगी हुई थी जो के खुदा यीशु मसीह ने खोली थी, है ना, एक एक करके हमने देखा कि खोली। और वैसे वैसे जो जमीन पे अदालत होनी है या सजाएं आनी है वो खुलती गई, और वहां पे जो बैठे हुए थे मतलब वो 24 बुजुर्ग और वो जानदार, है ना, और वो जैसे जैसे खुदा यीशु मसीह वो मोहरें जो थी वो खोलते गए, वैसे वैसे वो जो भेद थे वो खुलते गए, है ना। लेकिन अब ये जो किताब है, ये जो खुली हुई किताब है, ये जो छोटी सी खुली हुई किताब है, ये बाइबल है, वो तो भेद थे, लेकिन ये जो बाइबल है या इसका जो पैगाम जो खुदावंद के जैसे कह लें वफादार लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, ईमानदार लोग जो हैं उनके ऊपर ये भेद जो हैं खुदावंद
के रूह के वसीला से कह लें कि वो खुलते जाते हैं, है ना। इसलिए इसके अंदर जो भेद हैं या ये बंद नहीं है, ये खुली किताब है, खुदा जो बाइबल है, इसके अंदर जो भेद हैं वो खुलते जाते हैं खुदा उनके कह लें कि पाक रूह के वसीला से, जो सच्चाई पे चलता है जैसे जैसे वो खुदा उनके साथ कह लें कुर्बत में या उसकी हजूरी में उसके मजह में चलते जाते हैं, खुदा जो भी ये पढ़ता है उसके ऊपर ये भेद ये मकाशफे जो हैं वो खुलते जाते हैं, है ना। लेकिन जब वो सीलें थी, वो जो सजाएं थी, वो जो अदालत जैसे जैसे सील खुलती थी तो सजाएं जो थी जमीन के रहने वालों के ऊपर आती थी वो बंद थी किताब या वो तुमार जो था वो बंद था, वो सीलें जो थी वो बंद थी। लेकिन ये जो बाइबल है ये खुली किताब है, ये हम सब अगर खुदा उनकी साथ चलें ईमानदारी से वफादारी से तो ये भेद हमारे पर खुलते जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये खुली किताब जो है ये बाइबल है। और फिर हम देखते हैं कि जो इसको कहा गया कि यूहन्ना आरब को कि तू इसको ले ले और खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी, है ना। तो हम इसके लिए एक हवाला पढ़ेंगे कि पीछे हिजकेल जो था उसको भी एक किताब खोलने के लिए कहा गया था, है ना। तो हम वो हवाला पढ़ते हैं तो हमें जो ये जो शहद की तरह कह लें मीठी और पेट जो कड़वा हो जाएगा इसके लिए, इसको थोड़ा सा कह लें समझने के लिए वो हवाला हम पढ़ते हैं। हिजकेल 3 उसकी पहली आयत से। जी वफा और अंजना, हिजकेल 3 उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। जी वफा है हमारे साथ, अंजना मेरी आवाज आ रही है? फिर उसने मेनु आख्या ही आदमी रे पुत्र जो कुछ तेन मिलिया है सो खा, इल पेटमी पत्री नु खा ले अते जाके इसराइल दे घराने नाल बोल। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਂਦਰਾਂ ਭਰ ਲੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਠੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ फिर उसने मुझसे कहा ऐ आदमजाद जो कुछ तूने पाया सूखा इस तुमार को निगल जा और जाकर इसराइल के खानदान से कलाम कर। तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुमार मुझे खिलाया। फिर उसने मुझे कहा ऐ आदमजात इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा और उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और मेरे मुंह में शहद की मानद मीठा था। फिर उसने मुझसे फरमाया ऐ आदमजात तू बनी इसराइल के पास जा और मेरी ये बातें उनसे कह क्योंकि ऐसे लोगों की तरफ नहीं भेजा जाता क्योंकि तू ऐसे लोगों की तरफ नहीं भेजा जाता जिनकी जुबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है बल्कि इसराइल के खानदान की तरफ ना बहुत सी कौमों की तरफ जिनकी जुबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है जिनकी बात तू समझ नहीं सकता। यकीनन अगर मैं तुझे उनके पास भेजता तो वो तेरी सुनती लेकिन बनी इसराइल तेरी बात ना सुनेंगे क्योंकि वो मेरी सुनना नहीं चाहते क्योंकि सब बनी इसराइल सख्त पशेमानी और संग दिल हैं। देख मैंने उनके चेहरों के मुकाबले
तेरा चेहरा दुरुस्त किया है और तेरी पेशानी उनकी पेशानियों के मुकाबले सख्त कर दी है। मैंने तेरी पेशानी को हीरे की माने चकमाक से भी ज्यादा सख्त कर दिया है। उससे ना डर, उनसे ना डर और उनके चेहरों से हरासा ना हो, अगरचा वो बागी खानदान है। फिर उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, मेरी सब बातों को जो मैं तुझसे कहूंगा अपने दिल से कबूल कर और अपने कानों से सुन। अब उठ असीरों यानी अपनी कौम के लोगों के पास जा और उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ख्वा वो सुने ख्वा वो ना सुने। आगे भी पढ़ो। हाँ चलो ठीक है बस, लेकिन इससे देखें हमें ये पता चला है कि हिस्कील जो था उसको भी तुमार जो था वो दिया गया था खाने के लिए, और उसको क्या कहा था कि जो इसराइली हैं है ना अपनी कौम से उसको कहा गया था, लेकिन जो यूहन्ना आरफ है इसको सारी उम्मतों कौमों अहले जबान है ना सब के लिए जो कलाम है या नबूवत करने के लिए कहा गया है ना। तो लेकिन जो हिस्कील था उसको जो था वो अपनी कौम या बनी इसराइल कौम या यहूदियों से कलाम करने के लिए या नबूवत करने के लिए कहा गया था, तो उसका भी कह लें ऐसे ही हुआ था कि उसने नबूवत की थी और उसको क्या कह लें ये जो तुम्हार था वो या नबूवत जो थी उसने की थी है ना। तो लेकिन अब जो है यूहन्ना आरफ जो है उसको भी ये कहा गया है कि नबूवत उसने सबके लिए करनी है, सिर्फ यानी अपनी कौम जो है उसके लिए नहीं, क्योंकि ये खुली किताब जो है यानी बाइबल जो है ना सिर्फ इसराइलियों के लिए है बल्कि गैर कौमों के लिए भी है ना। जो जैसे हम जो हैं वो गैर कौमों में से ही मसीहियत में आए हैं है ना, खुदा यीशु मसीह को जब हमने कबूल किया तो हम गैर कौमों में से मसीहियत में आए या इसराइल के घराने में कह लो हम शामिल हो गए है ना, यानी रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे हम इसराइली नहीं हैं लेकिन रूहानी तौर पे हम खुदा यीशु मसीह के जरिए उसमें शामिल हो गए है ना। तो इसलिए हम भी गैर कौम थे, तो हमसे ये कलाम जो था यूहन्ना आरफ ने जो खुदावंद ने यानी उसको कहा कि ये किताब तू ले ले इसको खा ले, यानी उसको कह लें कि पढ़ने के लिए कहा गया और उसको समझने के लिए ताकि वो नबूवत जब हजम कर ले, यानी जैसे हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब सख्त कलाम जो था वो देना शुरू किया तो सारे छोड़ के चले गए थे, तो इसका कलाम जो है यानी खुदा यीशु मसीह की कहलें जो तालीम है वो सख्त है, तो इसलिए इसको हजम करना यानी खाना कलाम हम सबको ही पता है कि कलाम असल में क्या है, हम खाते हैं हम लेते हैं अपने अंदर लेते हैं है ना। और फिर जब हम इस पे अमल करते हैं तो हमें मुश्किलों में से परेशानियों में से मुसीबतों में से जो एक कह लें तल्ख तजर्बात है उसमें से गुजरना पड़ता है, दुखों में से तकलीफों में से, यानी हम अगर खुदा के हुक्मों पे अमल करते हैं तो हमें मुसीबत में से गुजरना पड़ता है आराम से, कोई भी हुक्म जो है जैसे कह लें कि सच ही बोलना है तो उसके लिए कीमत हमें अदा करनी पड़ती है ना। तो आसानी से हम ये नहीं कि हम सच बोलें और हमें उसका कोई खमियाजा ना भुगतना पड़े, हम जब सच बोलते हैं तो लोग कह लें हमसे नफरत करते हैं या हमें उसके पीछे कुछ ना कुछ मुसीबत जो है वो उठानी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है, हो सकता है कोई हमसे हमें छोड़ के चला जाएगा, इस तरह के बहुत सारे हमें कह लें तकलीफों में से दर्द में से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए खुदावंद का जो ये कलाम है जब हम इस पे अमल करते हैं तो उसकी कोई ना कोई कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, या खुदावंद के बाकी के भी जो हुक्म है जैसे कह लें है ना जब उस पे अमल करते हैं, या जैसे खुदावंद यीशु मसीह के साथ ही चलना शुरू करते हैं तो हमारी फैमिली ही जैसे जब गैर कौमों में से हम आते हैं
तो हमारी फैमिली ही हमारे खिलाफ उठ जाती है, खड़ी हो जाती है, हमें ताने देती है, या कुछ को तो जान भी कुर्बान करनी पड़ी है ना, जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हैं। बहुत सी ऐसी गवाहियां हम सुनते हैं, है ना, और यानी उनको कोई ना कोई कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है खुदा यीशु मसीह के साथ या उसके कलाम पे जब हम अमल करते हैं। तो इसलिए ये इसको हजम करना सब के कहें बस की बात नहीं है। तो लेकिन इसको जो है यूहन्ना रब को कहा कि इसको तू पढ़, इसको समझ, और फिर जो है वो नबूवत जो है उसको करने के लिए कहा गया। तो इसके लिए जो एक किस्म के कहले, जब हम खुदा के कलाम पे अमल करने की कोशिश करते हैं तो असल में क्या है, हम हालत जंग में आ गए हैं, हम अब शैतान के साथ जो है हमारा मुकाबला जो है वो शुरू हो जाता है जब हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं, है ना। और यानी जब तक कहें जमीन पे हैं, जब तक हमारी सांस है, हमारी जंग है शैतान के साथ, हम आराम से या कहें मुसीबतों के बगैर, मुश्किलों के बगैर उस जगह तक या खुदावन के तख्त तक यानी उसको करके नहीं पहुंच सकते, है ना। हमें कहीं ना कहीं कुर्बानियां जो हैं वो देनी पड़ती हैं, मुसीबतों में से गुजरना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह इसको उसने खाया, यानी इसको समझा, और फिर खुदावन ने यानी उसको कहा कि नबूवत कर, जो गैर कौमें हैं वो फिर जब इसको लेंगी तो उनको भी इसी तरह कह लें कि यानी जैसे कह लें मुंह में तो शायद की तरह लगेंगी लेकिन पेट जो है कड़वा हो जाएगा। तो यानी ये कह लें मुसीबतों को, दुखों को, तकलीफों को यानी कह लें पेश करता है, है ना, कि जे जो नबूवत की किताब है जब हम इसको लेते हैं। और ये जो खुशकी और समंदर पे उसने पांव रखा है, ये इस चीज को भी पेश करता है कि ये पूरी दुनिया के लिए है, ये किसी एक कौम, कबीले या उम्मत के लिए नहीं है। ये नबूवत जो बाइबल है वो पूरी दुनिया के लिए, सब के लिए है, जो भी है जमीन के रहने वाले उन सब के लिए, या जमीन पे या आसमान पे, सब के लिए जो समुंदर के कहले अंदर है, लिए ये नबूवत की जो किताब है या बाइबल जो है उन सब के लिए। तो इसलिए ये जो उसका पांव है यानी खुशकी पे और समंदर के ऊपर, उसका ये मतलब है कि ये जो नबूवत की किताब है ये सब के लिए है, जो जमीन पे रहने वाले हैं और जो समंदर के अंदर हैं, यानी खुशकी और तरी दोनों के लिए ये नबूवत जो है, ये नबूवत की जो किताब है उसके लिए है, है ना। तो ये जो गर्जों में उसने आवाजें, जो उसको सात आवाजें आई, ये खुदा ने उसको कहा कि ये तो जो गर्जे हैं या ये आवाजें जो हैं आसमान से उसको आई हैं, ये सात आवाजें जो कुछ उसने कहा गया उसको पोशीदा रख, उसको ना लिखना, है ना। तो ये गर्जें जो हैं हमने थोड़ा पहले भी सीखा था, ये खुदावंद की जो कह लें अदालत है उसको पेश करती हैं, ये गर्जों की आवाजें जो हैं जो सुनाई देती हैं, ये खुदावंद की अदालत को कह लें, सजाओं को कह लें, या उसके जो कह लें कहर को पेश करती हैं, है ना। तो इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं, पहला सैमुअल उसका सात बाप उसकी सात से दस आयत में हमें मिलता है कि ये जो गर्जें थी जब आई तो क्या हुआ। पहला सैमुअल उसका सात बाप, सात बाप, हाँ उसकी सात आयत, ठीक है। सात प्लस्तिया ने सुनिया कि इसराइल, ओके, जात प्लस्तिया ने सुनिया कि इसराइली मिसफाप विच इकट्ठे हुए हैं, तां उन्हां दे सरदारां ने इसराइल उते चढ़ाई की थी, सो इसराइली सुन के फलिस्तियां कोलो डर गए, अते इसराइलियां ने सैमुअल नूं आख्या चुप ना हो, पर यहोवा साडे परमेश्वर अगे तरला कर, उह सानूं फलिस्तियां दे हथों बचावे। सैमुअल ने इकलेले दा दुध चुंगदा बच्चा लैके उहनूं पूरी होम दी बली करके यहोवा दे अगे चढ़ाया,
ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਉਸ ਹੋਮ ਦੀ 11 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਉਸ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਫਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਕੜਕ ਨਾਲ ਗੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸਫਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਹੇਠ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵਫਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਓਕੇ। ਔਰ ਜਬ ਫਲਸਤੀਓਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਮਸਾਫਾ ਮੇਂ ਫਰਾਹਮ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੇ ਸਰਦਾਰੋਂ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਔਰ ਜਬ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਯੇ ਸੁਣਾ ਤੋ ਫਲਸਤੀਓਂ ਸੇ ਡਰੇ ਔਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮਾਰੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੋੜ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਹਮਕੋ ਫਲਸਤੀਓਂ ਕੇ ਹਾਥ ਸੇ ਬਚਾਏ ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਧ ਪੀਤਾ ਬਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਪੂਰੀ ਸੋਖਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਤਾ ਰਹਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਸਕੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੈਮੂਅਲ ਉਸ ਸੋਖਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਰਹਾ ਥਾ ਉਸੀ ਵਕਤ ਫਲਸਤੀ ਇਸਰਾਇਲੀਓਂ ਸੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਕੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਲਸਤੀਓਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਸੀ ਦਿਨ ਬੜੀ ਕੜਕ ਕੇ ਸਾਥ ਗਰਜਾ ਔਰ ਉਨਕੋ ਘਬਰਾ ਦਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਓਂ ਕੇ ਆਗੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਈ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਮੁਸਾਫਾ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਫਲਸਤੀਓਂ ਕੋ ਰਗੇਦਾ ਔਰ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਜਬ ਕਹਿ ਲੈ ਅਦਾਲਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਯਾ ਉਸਕਾ ਕਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਯਾ ਗੁੱਸੇ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਤਬ ਵੋ ਕੜਕ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾ ਗਰਜ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਨਾਫਰਮਾਨ ਕੌਮੇ ਹੈ ਯਾ ਜੈਸੇ ਫਲਸਤੀਓਂ ਪੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕੜਕ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਤੀ ਹੈ ਗਰਜਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਥਾ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲੈ ਗਰਜਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਓਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਓਂ ਕੋ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜੋ ਥੀ ਦੀ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਰਜੇ ਜੋ ਥੇ ਯੇ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਤਾਕਤ ਕੋ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈ ਜੋ ਕਹਿਰ ਹੈ ਯਾ ਗੁੱਸੇ ਕੋ ਜੋ ਨਾਫਰਮਾਨ ਕੌਮੇ ਹੈ ਯਾ ਉਨਕੋ ਯਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਯੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਜੇ ਹੈ ਜੋ ਕੜਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾ ਉਨਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਹੀ ਹਮ ਖਰੂਜ ਕੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸਮੇ ਵੀ ਯਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹਮਨੇ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਪੜ੍ਹ ਲੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਲੇ ਔਰ ਉਸਮੇ ਗਿਰੇ ਥੇ ਖਰੂਜ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਕੂਚ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਕਾ 9 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸਕੀ 23 ਆਇਤ ਮੇਂ ਵੀ ਹਮੇਂ ਯੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਹੈ ਔਲੋਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਜੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਪਾਪਾ ਅੰਜਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਵੱਲ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਗੜੇ ਵਰਸਾਏ ਸੋ ਗੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਡਾਢੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਕੌਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਜੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਿ ਡੰਗਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਦਾ ਸਭੋ ਸਾਗ ਪੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਸ਼ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਕੇਵਲ ਗੋਸ਼ਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਨ ਕੋਈ ਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 28 ਸਾਇਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਯਹੋਵਾ ਸੱਤ ਹੈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਆਇਤ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਰਜ ਦੀ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ
हाँ जी, तो यहाँ पे भी खुदाम क्या है, गर्ज रहा है। हाँ जी वफा, आप भी पढ़ना 23 आयत से महल 29 आयत, हाँ 29 तक मेरा ख्याल। अब मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावंद ने रद और ओले भेजे और आग जमीन तक आने लगी और खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए, बस ओले गिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी और वो ओले ऐसे भारी थे जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे और ओलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मद्यान में थे क्या इंसान क्या हैवान सबको मारा और खेतों की सारी सब्जी को भी ओले मारे गए और मैदान के भी सब दरख्तों को तोड़ डाला मगर जशन के इलाके में जहां बनी इसराइली रहते थे ओले नहीं गिरे। तब फिराउन ने मूसा और हारून को बुलवा कर उनसे कहा कि मैंने इस दफा गुनाह किया, खुदावन सादक है और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं, खुदावन से शिफायत करो क्योंकि ये जोर का गर्जना और ओलों का बरसना बहुत हो चुका और मैं तुमको जाने दूंगा और तुम अब रुके नहीं रहोगे। तब मूसा ने उससे कहा मैं शहर से बाहर निकलते ही खुदावन के आगे हाथ फैलाऊंगा और रद मकूफ हो जाएगा और ओले भी फिर ना पड़ेंगे ताकि तू जान ले कि दुनिया खुदावन की ही है। आमीन आमीन। हाँ जी, तो ये 28 आयत में फिर हम देखते हैं कि खुदावन से शिफायत करूंगा क्योंकि ये जोर का गर्जना और ओले बरसना, यानी ये खुदावन गर्जना जो है ये खुदावन की अदालत को पेश करता है, या कड़कना जो है, गर्जना है ना, ये जो आवाजें थी इसने सुनी यूहन्ना आरफ में, इसने 4 आयत में जो हमने पढ़ा है ना कि उसने गर्जों में यानी खुदावन जो है जब बोल रहा था जैसे बब्बर धाड़ता है ना, तो जो गर्जों में उसने आवाजें सुनी, खुदावन ने उसको कहा कि ये ना लिखना है ना, यानी इसमें बाकी एक किस्म के कहले हैं भेद खुले हैं, लेकिन ये जो आवाजें थी यानी 7 आवाजें लिखा हुआ है 4 वर्ष में, ये जो खुदा ने उसको कहा कि ये ना लिखना, या 7 आवाजें जो हैं इनको पोशीदा रखना और तहरीर ना करना है ना। तो लेकिन हमने ये देखा कि ये खुदावन की कुदरत को, ताकत को और खुदावन की अदालत को पेश करती हैं ये गर्जे जो हैं, जैसे यानी हमने खुरूज की किताब में भी, सैमुएल की किताब में भी यही देखा, खुदावन जो है गर्जता है। और फिर क्या होता है, जैसे वो फलस्तियों पे कड़का था और खुदावन ने जैसे उनको इसराइलियों के सामने शिकस्त दी थी है ना, और जो मिस्री थे उन पे भी क्या था, खुदावन गर्जा था, ओले और वो उनके पर नाजल हुए थे आसमान से है ना, जब 10 आफतें जो थी आई थी, तो उस वक्त भी क्या था, खुदावन गर्ज रहा था और उनकी कह लें अदालत जो थी हो रही थी जमीन पे है ना, तो 10 आफतें जो आई थी है ना। तो इसलिए ये गर्जें जो हैं इनमें से बताया नहीं गया, लेकिन इसका मतलब है कि ये खुदा उनके कहर को, खुदा उनके गुस्से को और अदालत को पेश कर रही है ना। और इनको पशीदा जो था वो इसलिए रखा गया ये क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं, या कुछ वो हम एक हवाला पढ़ते हैं, स्तिशना 29 बाब उसकी 29 आयत में हम पढ़ते हैं बाजी त्रिशना खुदावंद अस्तिशना डिट्रामी उसका चैप्टर 29 व्यवस्था सर है ना, ठीक है। हाँ जी, 5वीं जो किताब है चैप्टर 29 वर्स 29 वर्स 29 ओके। गुप्त गल्लां तां यहोवा साडे परमेश्वर दियां हन पर जिहड़ियां प्रगट हन वो सदा तक साडे लई ते साडे पुत्रां लई हन जो इस व्यवस्था दियां गल्लां पूरियां कर तां जो व्यवस्था दियां गल्लां पूरियां करदे रहिए। आमीन। हाँ जी जी वफा पढ़ना जी। गैप का मालिक तो खुदावन हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। आमीन।
हाँ जी, तो खुदावंद ये जरूरी नहीं कि सारी ही बातें जो यानी हम पे खोले, और ये जो गर्जों में आवाजें आई थी, 7 आवाजें लिखा है ना आई, तो ये गैब का जो इलम है ये खुदावंद ही के पास है। अगर खुदावंद खोलना चाहे तो वो खोल भी सकता था, जैसे बाकी की बातें मुकाशपे जो हैं वो खोले हैं, जो राज हैं वो जाहिर किए हैं, है ना, खोल दिए हैं। लेकिन ये 7 जो राज थे या बातें जो थी वो खुदावन ने अपने बंदा के ऊपर नहीं खेले, है ना। तो ये 7 कह लें जो अभी तक हमें सीखा है, आफतें आ रही हैं, अदालत जो है हो रही है, और ये कहर जो है, ये सजाएं जो हैं, इसके जो उस वक्त की कौमें होंगी, लोग होंगे उनपे जो नाजल हो रही हैं, ये उस तरफ जा रही हैं, यानी हर मजदूर की जो जंग है, जो अब अदालत होने वाली है, ये उस तरफ कह लें, जो क्या कहते हैं, लेके जा रही है ना। तो इसलिए अब जो है नाफरमान कौमें जो जमीन पे उस वक्त होंगी, ये 7 जो आफतें आएंगी, ये कह लें कि वो जो अफसोस अफसोस जो है कह लें, वो तीसरा अफसोस जो है वो होगा। तो ये आफते जो हैं, यानी जब हर मजदून की जंग होगी उस वक्त नाजल होंगी। तो इसलिए ये खुदावन ने उस वक्त क्या क्या होगा वो अपने बंदे के ऊपर गर्जों की सूरत में जो बोला, वो खुदावन ने उसको बोला कि ना लिख, है ना। तो इसलिए ये अभी जो कह लें आफते जो हैं वो चल रही हैं इस चैप्टर में, और ये 10वां चैप्टर जो है, अभी जो आगे का जो चैप्टर है 11 चैप्टर, उस में भी हम देखेंगे कि अभी जो है वो गवाह जो है वो आ रहे हैं। ये क्योंकि रोया देखी जा रही है, कुछ चीजें जैसे कह लें तरतीब से हम जैसे कह लें पढ़ रहे हैं उस तरह से नहीं है, क्योंकि एक ही वक्त में सब कुछ हो रहा है ना। तो ये जो गवाह हैं, ये जो 2 गवाह आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, 11 चैप्टर जो है, ये इसी 3.5 साल के अरसे में आए और इन्होंने गवाही जो दी, है ना। लेकिन इसका जो कह लें चैप्टर हम पढ़ेंगे वो बाद में आ रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि ये जो 2 गवाह हैं और इसी के कह लें आगे जो है वो 7वां जो नरसिंगा है वो फूंका जाएगा, और फिर 11 चैप्टर जो है, यानी हम इसको मंडे को पढ़ेंगे, तो उसमें कह लें कि नरसिंगा जो है, 7वां नरसिंगा कह लें फूंका जाएगा, और जो हर मजदून की जंग है या खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद है दूसरी, जो जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे कदम रखेंगे, जो क्या सहून है उसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह कदम रखेंगे, है ना। तो ये जब हर मजदून की जंग होगी तब जमीन पे जो खुदावंद यीशु मसीह और उसकी जो दुल्हन है जो आसमान पे उठा ली गई थी 7 साल मुसीबतों के दौर से पहले, तो वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ वापस आएगी और वो जंग करेगी उन नाफरमान कौमों से, और ये जो एंटी क्राइस्ट है और जो वो पुराना अस्ता है शैतान है, और शैतान को फिर जो है 1000 साल के लिए बंद किया जाएगा, है ना। ये आगे चल के हम सीखेंगे, लेकिन अभी जो है ये 10वें चैप्टर में हमने ये सीखा कि जो नबुवत है या ये छोटी किताब जो है यूहन्ना आरब को दी गई, और उसको क्या कहते हैं, ये 7वां जो जब नरसिंह का फूंका जाएगा, ये 7वीं आज जो है जिसमें ये इसमें, तो इसमें वो खुशखबरी है, यानी जो खुदा के नबियों के जरिए किए गए, यानी खुदा यीशु मसीह जो है जमीन पे वापस आएंगे और उसकी बादशाही जो है वो शुरू होगी। तो ये जो है ये इसका जब 7वां नरसिंह जो है फूंका जाएगा, तो खुदा यीशु मसीह जो है वो जमीन पे आएंगे, तो ये खुशखबरी जो है ये उस खुशखबरी की बात हो रही है कि खुदावन जो है तब जमीन पे आएंगे और वो उसकी जो 1000 साल बादशाही है वो शुरू हो जाएगी, है ना। तो लेकिन ये अभी जो गर्जे हैं या ये
इस चैप्टर में ये उस तरफ अभी जा रहे हैं जो हर मजदूर जंग होनी है, और जो मुखालफ मसीह है, जो झूठा नबी है, या ये हम आगे कल थोड़ा सा जो 11 चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी इस आज तक हमने पढ़ा है, तो बाकी थोड़ा सा हमारा रह गया वो हम मंडे को करेंगे। ये 10वें चैप्टर की कुछ थोड़ी सी बातें हैं वो हम मंडे को करेंगे। और क्या कहते हैं, तो 7वां नरसिंगा जब फूंका जाएगा, ये अफसोस जो है वो हर मजदून की जंग जो है तब होगा, और खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त आएंगे जमीन पे, और ये नाफरमान जो कौमें हैं इनकी, जो अब कह लें कि जमीन पे रहते हुए अदालत हो रही है, यानी उस वक्त की बात हो रही है, और तब खुदा के शहर को, जो यरूशलेम शहर है, ये इसराइल को फौजों ने घेरा होगा जब हर मजदूर की जंग होगी, है ना। तो तब क्या है, खुदा यीशु मसीह आएगा और अपनी मुंह की तलवार से उन कौमों के साथ जंग करेगा। ये हमने पहले चैप्टर में मुकाशवा में पढ़ा था, है ना। तो ये जो गैर कौमें हैं, या कह लें जो नाफरमान कौमें हैं, उम्मते हैं, कबीले हैं, उनके लिए उस वक्त कह लें कि ये खुदावंद का कहर होगा, खुदावंद की अदालत जो है होगी। लेकिन खुदावंद के लोग जो हैं वो खुशी और शादमानी करेंगे, क्योंकि खुदावंद जो है अपना जमीन पे राज करने के लिए जमीन पे आ रहा है ना। और हमने बादशाही के बारे में सीखा कि जो खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त आके जमीन के ऊपर बादशाही करेंगे, वो बादशाह होगा उस वक्त जमीन पे। तो जो आदम ने कह लें फेल हो गया था, यानी उसने नाफरमानी की, और क्योंकि आदम को और हवा को क्या बनाया गया था, एक किस्म का जमीन का कह लें वो राजा और रानी या बादशाह बनाया था, सब कुछ उसके कह लें इख्तियार में किया गया था, जो कुछ जमीन पे था, है ना, उसको एक उसके इख्तियार में दिया गया था, है ना। लेकिन वो फेल हो गया। तो अब खुदावंद यीशु मसीह, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे उसको शैतान को हराया, और अब जो है वो बादशाही करेगा, जो कि आदम और हवा को करनी थी, तो वो उस काम को भी पूरा करेगा खुदावंद यीशु मसीह, और जमीन पे आएंगे और वो बादशाही करेंगे खुदावंद यीशु मसीह, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन होगी। जैसे आदम और हवा थे, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह और उसकी दुल्हन जो है जमीन पे तब राज करेगी, तब वो अदालत जो है या सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में होगा, कंट्रोल में होगा, और उसकी दुल्हन उसके साथ साथ, जैसे कह लें कि हवा उस बाग की जो कह लें निगबानी थी या देखभाल या जो भी कुछ उस पे था, आदम के साथ थी, उसके साथ वो करती थी, बिल्कुल इसी तरह खुदा यीशु मसीह की दुल्हन जो है खुदा यीशु मसीह के साथ मिलकर इस जमीन पे राज करेगी, है ना। तो इसलिए हम उस कह लें जो दौर है, जो उस वक्त आएगा 1000 साल बादशाही, हमारे अंदर एक वो होनी चाहिए कि वो हम दौर देखें, क्योंकि पहले तो खुदा यीशु मसीह आए बर्रे की सूरत में, और कह लें हलीम या कह लें उस सूरत में आए, है ना, और जुल्मों से तम खुदा यीशु मसीह ने सहा। लेकिन अब जो है खुदा यीशु मसीह जो है जलाली सूरत में आएंगे, पहले तो एक इंसानी सूरत में आए, और लेकिन अब किस्म का जलाली सूरत में खुदा यीशु मसीह जमीन पे, और उसकी दालत जो है, जो उसका जो अदल और इंसाफ है, वो हमने उसमें देखा कि लोहे के आसे से करेंगे, है ना। कोई उस वक्त वो कह लें नाराजगी जो है वो नहीं जमीन पे पाई जाएगी, है ना। जमीन की नेचर जो है, उसकी फितरत जो है वो बदल जाएगी, है ना। और इसीलिए अब ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये नेचर जो है कह लें या दर्द, जो सूरज चांद सितारे सब कुछ जमीन पे, जो समुंदर है वो सब पे एक कह लें आफ्ते आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, है ना। तो इनकी भी नेचर जो है वो बदल जाएगी,
जब खुदा यीशु मसीह आएगा और इंसान उसमें वो दाखिल होंगे जिनकी पहले जो पुरानी इंसानियत है जिनके अंदर नहीं होगी। इसीलिए अब जो पुरानी इंसानियत है हमारे अंदर से निकलना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही लोग उसमें दाखिल होंगे हजार साल बादशाही में, जिनके ये जो मूवीज आप देखते होंगे कि जी वो किसी न किसी तरीके से जहाज बना के या इस तरह से वो सोचते हैं कि हम इन मुसीबतों में से निकल के उस हजार साल बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उसमें वो दाखिल होंगे। क्योंकि मैं हम काश भाई आगे में है चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो नंगे हैं यानी जो गुनाहगार हैं वो उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे, है ना। वो वर्ड्स मुझे भूल गए, मेरा ख्याल आगे हम पढ़ेंगे। तो नंगे का मतलब है जो गुनाहगार लोग हैं वो उसमें दाखिल नहीं होंगे, उसमें वही लोग दाखिल होंगे जो पवित्र हैं, जो पाक हैं, जो होली हैं, जो खुदा यीशु मसीह की मान्यता है। जैसे हमने कल भी एक वर्ष पढ़ी के रोमियो में कि जो खुदावंद की रूह की हदायत से चलते हैं यानी खुदावंद के बेटे बेटियां हैं, है ना, वो उसमें यानी एक जगह आयत है यानी उसमें खुदा बाप जैसे खुदा यीशु मसीह ने फरमा बरदारी की, दुख सहे, आजमाइशों में से गुजरे, खुदा यीशु मसीह तो बिल्कुल उसी तरह जो खुदा की फरमा बरदारी में चल रहे हैं इस वक्त, लोग जो खुदा के बेटे बेटियां हैं वो उस वक्त राज करेंगे, वो उस वक्त शहजादे और शहजादियों की माने तो उस वक्त जमीन पे होंगे। तो इसलिए हम उसकी तैयारी करें, खुदा ने हमें इसलिए अलग किया है। तो खुदा आप सबको और मुझे भी बरकत दे और हमें फजल दे, रहम करे, तर्स खाए हमारे पर कि हम उस फरमाबरदारी में ताबियादारी में चल सकें, ताकि उसकी खुदा यीशु मसीह की बादशाही को अपनी आंखों से कह लें कि देखेंगे, है ना। जिस तरह योग कहता है कि ये बदन तो क्या होगा, सड़ जाएगा या ये नहीं होगा, लेकिन मेरी आंखें यानी जो दिल की आंखें या रोशन आंखें जो हैं रूहानी दौर पे वो देखेंगे। तो खुदा हम सबको तैयार करें। गॉड ब्लेस यू, बैक टू अंजना। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇ ਸਿਸਟਰਸ ਮੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰਸ ਮੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋਗੇ? शायद आवाज नहीं आ रही ना आजी ना। मेरे हाला सुमीना नो नहीं आ रहे। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। तुसी आदर अंतो यीशु जी, तुसी अल्फा ते ओमेगा है खुदा, खुदा तुसी राजा के राजा, तुसी बादशाह के बादशाह यीशु जी। तेरा जी शुक्र करते हैं खुदावन खुदा, तेरी ही तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन खुदा। साडा उठना बैठना चलना फिरना यीशु जी तेरे मुताबिक होवे खुदावन खुदा। तू सानू तैयार कर खुदावन खुदा, सानू पाक दामन कुमारी दी तरह सानू तैयार कर मेरे परमेश्वर, मेरे तुसी बदलां ते आओ खुदावन खुदा। असी तैयार होइए खुदावन खुदा, असी उस बेवकूफ कुवारियां वांगू सुते ना रह जाइए परमेश्वर मेरे प्यारे पिता। यस लॉर्ड खुदावन खुदा, असी जाग दे रहिए मेरे प्यारे पिता। यस लॉर्ड, सानू तू पवित्र कर, पाक कर यीशु जी खुदावन खुदा। ਸਾਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਨਾਪਾਕੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਆ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਨ ਬਣੀਏ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਈਏ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲੋਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਾ ਕਰ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਕ ਦਾਵਨ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਸ਼ਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਲੋਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਹਬਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਯੈਸ ਲੋਰਡ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾੜ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਯੈਸ ਲੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਯੈਸ ਲੋਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ, ਯੈਸ ਲੋਰਡ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਯੈਸ ਲੋਰਡ, ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲੋਰਡ, ਰਬਾ ਰਬਾ ਰਬਾ, ਮੇਰੇ 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 ਸੰਦਰਾ ਸੰਦਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲੋਰਡ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਯੈਸ ਲੋਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਯੈਸ ਲੋਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ,
तेरी दया ले परमेश्वर, तेरे मार खाना खुदावन खुदा असी चंगे हुए हैं खुदावन खुदा, साड़िया असी बीमारियां तो चंगे हुए हैं मेरे प्यारे पिता, सानु शिफा मिली है खुदावन खुदा, असी तेरा शुक्र कर दिया खुदावन खुदा। यस लॉर्ड, लॉर्ड तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो खुदा पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। यस लॉर्ड खुदावन तेरा सी शुक्र करते हैं खुदावन खुदा, दी सारी मीटिंग ले मेरे परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं, आज दे इस वचन ले खुदावन खुदा, जड़ा बीज आज बोया गया है खुदावन खुदा, साड़िया जिंदगियां दे विच 30 गुणा नहीं 60 गुणा नहीं बल्कि 100 गुणा फल लेके आवे खुदावन खुदा। यस लॉर्ड, इस कलाम दे वसीला ना खुदावन खुदा, इस वचन दे वसीला ना साड़िया जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदावन खुदा, जे साड़िया अखां दे पर्दे पै खुदावन खुदा, पर्दे हट जाण यीशु मसीह दे नाम दे विच खुदा, असी साफ साफ देखिए खुदावन खुदा, असी धुंधला नहीं देखना चाहते बल्कि असी साफ साफ देखना चाहते। यस लॉर्ड खुदावन खुदा, यस लॉर्ड असी खुदावन खुदा सानू ज्यादा तो ज्यादा दुआ करना सिखा खुदावन खुदा, असी ज्यादा तो ज्यादा समा तेरे नाल बतीत करना चाहते हैं खुदावन खुदा, तू उस साडी समय नू अपने नाल बंध ले परमेश्वर प्यारे पिता। यस लॉर्ड तेरा ही सी शुक्र कर दे खुदावन खुदा, तेरी ही तारीफ कर दे खुदावन खुदा, सिस्टर होना ले सी दिल दिया गहराइया तो खुदावन शुक्र कर दे यीशु जी, इन्हां दी पूरी फैमिली नू तेरे लहू च छुपा देने, तेरा लहू इन्हां दी नस नस अंदर काम करे खुदावन खुदा, अगर गले दी कोई भी खारिश कैंसल कर दे खुदावन खुदा, मेरा ईमान है कि तू अपनी बेटी नू चंगा कीता। यस लॉर्ड खुदावन खुदा, तू अपनी बेटी नू बताहित दे नाल इस्तेमाल कर, और तेरा मसा तेरी बेटी ते ठहरिया रवे खुदावन खुदा, तेरे वसीला ना ता कि बहुत सारिया रूहां बच सकन खुदावन खुदा, तू अपनी इस खुदावन खुदा इन्हां दी अपनी मिनिस्ट्री दे विच होर भी वधा खुदावन खुदा, तेरे विच होर भी ज्यादा वधदे जान खुदावन खुदा, तू सारे नूं मजबूत कर, और जदों ब्रदर जी खुदावन खुदा बार मनादी लई जान मेरे परमेश्वर प्यारे पिता, उन्हां नूं भी तेरे लहू च छुपा दिंदी आ खुदावन खुदा, उन्हां लई भी तेरे फरिश्तियां नूं मंग लैंदी आ खुदावन, जिथे जिथे तेरा बेटा जावे उथे उथे नाल तेरे फरिश्ते जान खुदावन खुदा। यस लॉर्ड खुदावन खुदा, तुसीं अपने बेटे नूं दलेरी दा आत्मा, यस लॉर्ड खुदावन खुदा, दलेरी दा रूह बख्शो खुदावन खुदा। यस लॉर्ड यीशु जी, तुसी अपने बेटे नूं प्रोटेक्ट करो खुदावन खुदा, तुसी अपने बेटे दी मदद करो खुदावन खुदा, और एक एक फैमिली मेंबर नूं खुदावन खुदा तुसी तुहाडे लहू च छपा देने, तुसी अपने बच्चों नूं ब्लेस करो, बरकत दे खुदावन खुदा, तेरा असी शुक्र करदे आ। ग्रुप लई फ्रेडी ब्रदर लई भी असी खुदावन खुदा दुआ करदे आ, तेरा बेटा तेरे बेटे नूं तेरे लहू च छपा देने, तेरा लहू उन्हां दी नस नस अंदर काम करे, जो भी इनफेक्शन है लिवर दी इनफेक्शन है खुदावन खुदा, यीशु नासी तेरे नाम दे विच कैंसल हो करदे आ खुदावन खुदा, असीं नहीं जाणदे खुदावन, असी दूर हाँ मेरे परमेश्वर प्यारे पिता, तू खुदावन खुदा ओदे नजदीक आ। यस लॉर्ड, तू खुदावन खुदा अपने बेटे नू टच कर खुदावन खुदा, तू अपने बेटे नू छू के चंगा कर। यस लॉर्ड खुदावन खुदा, यस लॉर्ड खुदावन, तेरे लिए कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है खुदावन खुदा, तू सारा कुछ करन दी हिम्मत कुदरत ताकत रखदा है खुदावन खुदा। यस लॉर्ड, तू अपने बेटे नू खुदावन हील कर खुदावन खुदा। यस खुदावन खुदा, ये बीमारियां तेरे अगे ठहर नहीं सकदी है। यस लॉर्ड, इन्हां सारियां बीमारियां नू यीशु नासी तेरे नाम दे विच दूर होण दा हुक्म दिंदे आ खुदावन खुदा, तू अपने बेटे नू हील कर, चंगा कर खुदावन खुदा, पूरी तरह स्वस्थ कर खुदावन खुदा। यस लॉर्ड खुदावन खुदा, तुसी अपने बेटे नू हील करो, चंगा करो, तुहाडा पाक पवित्र लहू दी नस नस अंदर विच काम करे खुदावन खुदा, जिथे तेरा लहू है उथे कोई भी बीमारी नहीं ठहर सकती खुदावन खुदा। यस लॉर्ड खुदावन खुदा, तेरा असी शुक्र करदे, तेरी ही तारीफ करदे स्माइरा खुदावन खुदा, तेरी बेटी नू तेरे लहू च छपा दिंदे आ खुदावन खुदा, तेरा लहू उन्हां दी नस नस विच काम करे, जो भी चेस्ट इनफेक्शन है यीशु नासी उन्हों तेरे नाम दे विच कैंसल कर दे खुदावन खुदा, तू अपनी बेटी नू हील करो, तेरा पाक पवित्र लहू उन्हां दी नस नस अंदर काम करे खुदावन, तेरी ही तारीफ। और अमनदीप सिस्टर उन्हां लई वी असीं दुआ करदे आ खुदावन खुदा, उन्हां दी पूरी फैमिली नू तेरे लहू च छपा दिंदे आ खुदावन खुदा, जो भी खुदावन खुदा उन्हां नू कोई भी कोई किसी भी किसी प्रॉब्लम चाहिए यीशु नासी, तू तुहाडे नाम दे विच सारियां रुकावटां और सारियां प्रॉब्लम खुदावन खुदा दूर हो जाए
पहुंचान खुदावन खुदा, तू आपकी बेटी दी मदद कर। यस लॉर्ड खुदावन खुदा, तेरा लहू उन्हां दी नस अंदर काम करे। यस लॉर्ड खुदावन खुदा, जदों ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਖੁਦਾ, ਸਮੀਨਾ ਸਿਸਟਰ, ਮਾਇਆ ਸਿਸਟਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਆਂਟੀ, ਸਭਾ ਸਿਸਟਰ, ਸਰਾਫੀਨ, ਸੁਰੱਈਆ ਸਿਸਟਰ, ਵਫਾ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਟੱਚ ਕਰ। ਯੈਸ ਲੋਰਡ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਛੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦਿਆ ਕਰ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। अब हमारे खुदावन का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक के खुदावन यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन की जो हुजूरी है, हाँ जी, खुदा उनका मसा हमारे ऊपर छाया हुआ है, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। मैंने खुदा उनकी ऐसे जैसे जो दीवा, ये दिया जो बना होता है ना, इस तरह मैंने देखा, उसके जरिए हमारे ऊपर एक ऑयल जो है वो डाला जा रहा है। तो मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि खुदा उनने आज नया मसा, नया हमें जोर दिया है, ताकि हम उसकी मानिंद बन सके। और जब फ्राइडे बहन के लिए अंजना प्रेयर कर रही थी, तो मैंने इस तरह देखा कि जैसे एक चेयर है, कुर्सी बनी हुई है, और वो बहुत ही, उसके ऊपर जैसे भजन बैठे हुए हैं, और वो बड़ी ही काली, ऐसे बहुत जैसे गंदी होती है, काला सा, एक कहूंगी कि गंध से भरी हुई है, बहुत ही ऐसे लग रहा है। लेकिन मैंने देखा कि पानी जो है ऊपर से, आसमान से जैसे गिर रहा है, और वो पानी जो है जैसे प्रेशर से गिर रहा है, जैसे वो पाइप से हम गिराते हैं ना, तो बड़े प्रेशर से गंद भी साफ ही चला जाता है। तो मैंने ऐसे देखा जैसे वो पानी ऊपर से गिर रहा है, और प्रेशर से गिर रहा है, और वो सारा जो गंदगी है, जो काला काला है, वो साफ हो रहा है। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जैसे वही चेयर जैसे है, उसके ऊपर वो बैठे हुए, उन्होंने कुछ इस तरह के कपड़े पहने हुए, जैसे ये जैसे कहेंगे जो इसराइली जैसे पहनते हैं, इस तरह के कपड़े हैं, यानी पूरा वो जो क्या उसको बोलते हैं, बाया या चोगा, पता नहीं है ना, और ऊपर शॉल जैसी भी ली हुई है, और वो उठ के खड़े हो गए। तो खुदा उनका शुक्र करती हूँ उसके इस कलाम के लिए, कि खुदावन ने उनको टच किया है, उनको छुआ है, और उनके जो उनको पाक और साफ किया है, जो गंदगी है, नापाकी है, खुदावन ने धोई है। और खुदा उनका शुक्र हो सारे आज की इबादत के लिए, उसके कलाम के लिए, खुदा उनका शुक्र करते हैं। अगर खुदावन ने किसी को टच किया है या कुछ आपने देखा है, तो आप शेयर कर सकते। जी सिस्टर महेंद्र, जी हां जी, जय मसीह, कहना ਤੁਸੀਂ? जय मसीह। ओके ओके जी, हां जी, किसी और ने कुछ कहना है? नहीं तो फिर से बात करते हैं। ओके जी, अंजना कुछ कहना? चलें ठीक है फिर। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।